तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिग्री डिप्लोमा की वेरिफिकेशन कैसे कराएं आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है अपने मेडिकल कोर्स किया है या नॉर्मल बीए एमकॉम ठीक है कोई भी आपने कोर्स किया फॉर एग्जांपल तो उस कोर्स की आप कैसे वेरीफाई करेंगे आपकी जो डिग्री आपको इंस्टीट्यूट वाले दी है वो आपकी ओरिजिनल डिग्री है या उन्होंने कोई वैसे छाप रखी है ठीक है या फिर आपको कोई बाहर विदेश जाना है उस डिग्री की वेरिफिकेशन करवानी होती है ठीक है या फिर आपने कोई किसी भी पर्पज़ के लिए आप अपनी डिग्री की वेरीफाई करवाना चाहते हो जांच करवाना चाहते हो कि आने वाले इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो उस चीज़ के लिए आज हम लेके आए विनायका मिशन यूनिवर्सिटी की मार्कशीट या डिग्री डिप्लोमा कैसे वेरीफाई करेंगे क्या प्रोसीजर होता है फ्यूजर होता है सभी यूनिवर्सिटियों का ही थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको ठीक है तो आपको कैसे कैसे अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना है क्या प्रोसीजर होता है कैसे क्या फीस होती है ठीक है और उसके बाद में यूनिवर्सिटी आपको कैश रिटर्न में लिख के देती है कि यह आपकी डिग्री ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है कैसे है ठीक है सब कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा ठीक है इस तरह की वीडियो देखने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आर्डी मेडिकल साइंस को और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे लिंकड पे पर ट्विटर पर इन सभी हमारे चैनल्स हैं और पी के लिए एम सी के लिए आप हमें टेलीग्राम टेलिग्रा, चैनल हमारा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो भाई स्टार्ट करते हैं देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आपका क्या प्रोसीजर होता है पूरा तो फिर यीडियो का पूरा देखिएगा प्लीज़ ठीक है और कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर या ई मेल वगैरह कुछ होंगे मेरे पास में तो वो आपको मैं जरूर दे दूँगा तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा और पूरे वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल बचता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यार हमारे पास में विनायका मिशन का एक फॉर्म है जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है ठीक है विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की तो डायरेक्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन अप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है जो आपका यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में आपका है ठीक है फादर नेम डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मार्कशीट में आपकी डिग्री डिप्लोमा में लिखे हुए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर उनको आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द कोर्स स्टडी आपने जो सा कोर्स किया है उसका आपको नाम लिखना है यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया है उसका मंथ और ईयर लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर एंड ई मेल आई डी यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी ई मेल आई डी लिखनी है यहाँ पे कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इनक्लोज आपको किस किस की मार्कशीट की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है उस पर टिक लगाना ठीक है मार्कशीट पर लगा के मार्कशीट अगर आप अटैच कर रहे हो तो उसका टिक लगाना आपको डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा या प्रोविजन सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट अदर ऑफ एनी स्पेसिफाई ठीक है जो जो चीज़ें आप अटैच करोगे उसके साथ में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा उनके टिक लगा देना यहाँ पे या फिर आपको मेंशन कर देना पेन से भाई आपने ये चीज़ें मेंशन की है ठीक है तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको चार से पाँच डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा वो आपको मैं आगे और भी बता दूँगा सबसे पहले इस फॉर्म को देख लेते हैं ठीक है डिटेल ऑफ पेमेंट पेमेंट आप इसको करनी है कितनी पेमेंट करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा डी डी एन के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट ले लीजिए अमाउंट अमाउंट भी आपको मैं आगे बताऊंगा क्योंकि तो आगे चीज़ें लिखी हुई है ना उसी हिसाब से फिर आपको बताता रहूँगा डी डी एन एफ टी आई डी नंबर लिखना है। यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट कब की थी वो आपको डेट लिखनी है यहाँ पर और नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ से आपको पेमेंट करवाइए कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जहाँ से आपको आपका वो जो वहाँ पे जो लेटर भेजेंगे ना वो इसलिए आपको यहाँ पे प्रोपरली कंप्लीट एड्रेस लिखना है आपको यहाँ पे अपना जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं या जिस एड्रेस पर आप डिग्री की अपने वेरीफिकेशन मंगाना चाहते हैं उसकी डेट और आपके सिग्नेचर ठीक है ये तो हो जाएंगे आपको यहाँ पर भर के अटैच करने अब डिटेल कर लेते चेक कर लेते भैया उनको क्या क्या यहाँ पे देखें यहाँ पे इन्होंने अप्लीकेशन शुड बी फील्ड इन विद ब्लॉक लेटर बड़े अक्षरों में आपको अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म को भरना है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्स स्टडी शुड बी इनक्लोज विद द एप्लीकेशन विद विदाउट फेल सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने जो भी अपलिकेशन फॉर्म के साथ में तो अटैच करने हैं सर्टिफिकेट अटैच करने हैं ठीक है कोई छोड़ना नहीं है अगर छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको दोबारा से भेजनी पड़ेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है फाइव हंड्रेड एंड पाँच सौ रुपये आपको फॉर ईच कोर्स स्टडी अगर प्रत्येक कोर्स अगर आपने दो कोर्स किए हैं तो आपको दो हज़ार रुपये लगेंगे अगर आपने सिंगल कोर्स कर रखा है कोई भी तो उसके पाँच सौ रुपये आपको लगेंगे वेरीफिकेशन आदरबाद डी डी ड्रो इन फेवर ऑफ डी डी ई वी एम यू पेबल एट द सेलम और थ्रू एन ई एफ टी पेमेंट टू द फॉलोइंग अकाउंट ठीक है डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विनायका मिशन यूनिवर्सिटी के नाम पे वी डी डी वी एम यू के नाम पे आपको पेमेंट करनी है एन ई एफ टी के द्वारा या फिर आपको जो चेक वगैरह बन डी डी बनवाओगे वो इस नाम से बनेगा ठीक है और करंट अकाउंट नेम डी डी ई विनायका मिशन यूनिवर्सिटी अकाउंट नंबर ये है आपका यहाँ पे जो दे रखा है आई एफ एस सी कोड भी दे रखा है ठीक है इंडियन ओवरसीज बैंक है ये ब्रांच है यहाँ पे इनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है बैंक ब्रांच का ठीक है एड्रेस टू विथ द वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट इज टू बी सेंड मस्ट बी कम्प्लीट विद पोस्टल जिप कोड जिस एड्रेस पे आपको अपने सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मंगवानी है वो एड्रेस आपको कंप्लीट लिखना है विद द पोस्टल कोड के साथ में ठीक है ये चीज आपको बार बार बताऊँ एड्रेस आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है आपको बल्कि आपको तो कॉन्टैक्ट नंबर भी डालोगे वो भी दो कॉन्टैक्ट नंबर डालने हैं आपको ठीक है दो मोबाइल नंबर क्योंकि कई बार मोबाइल नंबर नोटिबल नोटिसबल हो जाता है नहीं भी मिल पाता किसी कारण से तो हमेशा दो मोबाइल नंबर उसमें आपको डालने पड़ेंगे एड्रेस में ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर ई मेल आई डी आर टू बी मैंसन इन क्लियर ठीक है मोबाइल नंबर और ई मेल आई डी आपको क्लियर मैंसन करनी है बड़े अक्षरों में साफ साफ तो डूली फिल्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ने डॉक्यूमेंट के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीट फिलअप करके और डी डी या एन एफ टी पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आपको सबमिट करनी है कहाँ पे टू असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन डीम टू यूनिवर्सिटी नूर सेलम ठीक है तमिलनाडु तो इस एड्रेस पे आपको कंप्लीट अपना वो भेजना है सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके उसके जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो रिसिप्ट अटैच करके इसके साथ में ठीक है और एक कोरियर के द्वारा आप इस एड्रेस पर भेज सकते हैं ठीक है और अधिक जानने के लिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को करने से पहले आप विनाय का मिशन जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसे कस्टमर केयर पे बात करके एक उनको मेल भी डाल सकते हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप अगर जी मैंने कोरियर भी कर दी है और आप उनको बाय का इधर इस सभी डॉक्यूमेंट्स एक पी बना के उनको मेल भी कर सकते हो ठीक है मेल आई मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दे दूँ अगर मेरे को मिल जाएगी तो वेबसाइट से ठीक है और आपको इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देख लगानी है देखो वो और बता देता हूँ मैं आपको आप सबसे पहले आपका नंबर एक पे हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर टू पे आपका पेड रिसिप्ट है जो भी आप पेमेंट करोगे उसकी रिसिप्ट निकलवा के वो लगानी है नंबर तीन पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड लगाना है यहाँ पे और मार्कशीट की कॉपी या डिग्री डिप्लोमा जो भी कॉपी लगाओगे उन सभी मार्कशीट्स की कॉपी आपको जरूर लगानी है ताकि वो वेरिफिकेशन करेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह साथ में ठीक है तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और कौन से डॉक्यूमेंट्स और तो क्या फीस लगेगी ये प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी का होता है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करते हैं एक्स वाई जेड सभी के कस्टमर केयर से आप बात करके ऐसे एप्लीकेशन वेरीफाई अपनी डिग्री डिप्लोमा जरूर करवानी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर विदेश जाना चाहते हैं कहीं भी किसी भी पर्पज़ के लिए है ठीक है आप कोई भी प्राइवेट को इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स करते हैं तो आपकी डिग्री जरूर आपको वेरीफ़ाई करवानी चाहिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि वेरीफाई होने के बाद में वो आपके घर पर कैसे लेटर भेजेंगे विनायक मिशन वाले चलिए उसको देख लेते हैं तो डी एफ एन जैसे कि अभी एक कैंडिडेट ने ये सब डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उन्हीं से मैंने सब कुछ पूछने के बाद आप सभी के लिए वीडियो बनाया है ठीक है तो उस कैंडिडेट ने बारह जनवरी 12 फरवरी को ये अप्लाई किया था अप उनके पास में आया था 12 फरवरी को 2024 में ठीक है तो उन्होंने देखो एक विनायक कमीशन के, के ये उन्होंने रेफरेंस नंबर दिए हैं कि भई आपने ये उनका डॉक्यूमेंटेशन है जो जहाँ से उन्होंने विनायक कमीशन वालों ने भेजा है ठीक है और उन्होंने ये रिटर्न भेजा दिस इज सर्टिफाइड दैट वी हैव इशूड द फोर्थ सेमेस्टर मार्कशीट ठीक है उस कैंडिडेट ने फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट किया था विनायक कमीशन से ठीक है तो उसका नंबर दे दिया उन्होंने फोलियो नंबर टू और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन अंडर टू ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया उस यहाँ पर नाम है उस कैंडिडेट का डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ठीक है उन्होंने कोर्स का कोर्स किया था डीएमएलटी कोर्स कर रखा उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर किया था वहाँ से तो द फोटो कॉपी और मार्कशीट स्टे, मा, मार्क स्टेटमेंट सर्टिफिकेट सेंड बाय द स्टूडेंट हैज़ बीन वेरीफाइड विद आवर रिकॉर्ड एंड फाउंड जेनुअन ठीक है उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट ने मार्कशीट भेजी थी वो सभी मार्कशीट्स हमारे रिकॉर्ड में मिली हैं उन सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर उनके उनके पास में रिकॉर्ड है तो वो सारी चीज़ें जेनुअन है आपकी ठीक है और यहाँ पे देखो असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन साइन उनके बारह दो दो हज़ार चौबीस के डॉक्टर टी शिव कमी एम एस सी पी एच डी जो भी है असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सेलम ये जीरो जी पिन कोड है तमिलनाडु ठीक है तो इस तरह से ये लोग एक लेटर बना के भेजेंगे आपका वेरिफिकेशन का इसको आप रख सकते हो अपने पास में इनको दिखा सकते हो किसी को भी अब जो मेरी मार्कशीट है मेरी जो डिप्लोमा है वो ओरिजिनल है ये विनायक मिशन ने रिटर्न में दे रखा है आपको ठीक है तो ये सब इस तरह का आपको बना के भेजते हैं कितने टाइम में आता है इसको इस प्रोसेस पर लगने में मार के पंद्रह से बीस दिन का प्रोसेस लग जाता है देखो कम से कभी बीच में कोई होलीडे की छुट्टी वगैरह ना आए तो इतना टाइम इसके अंदर कम से कम लग जाता है पंद्रह बीस दिन का टाइम तो जब भी आप करें तो अपना प्रोसेस को कंप्लीट प्रोसेस करें और कस्टमर के नंबर पर रिप्लाई करते हैं तो कॉल वगैरह काफ़ी टाइम उठाते हैं लोग कभी ठीक है तो उठा लेते हैं लेकिन वो कॉल वगैरह भी आपकी तो आप कांटेक्ट करें उनसे पहले कस्टम केयर से बात करें भी उनसे ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह लेके उनसे कम पूरा कन्फर्म करके अच्छे से उसके बाद अपना इस प्रोसेस का पूरे को कंप्लीट कर सकते हैं अपने वेरीफाई कर सकते हैं ठीक है दूसरा क्या ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट होती है कि जिनसे भी आप अपनी डिग्री डिप्लोमा वेरीफाई कर सकते हैं ठीक है उसमें क्या होता है उसमें भी कुछ चार्जेस लगते हैं यूनिवर्सिटी के है, तो वो आपके जो भी मार्कशीट होती है उन सभी को एक पेज पे बना के प्रॉपरली वेरिफिकेशन करके दे देते हैं तो जब भी आप कहीं विदेश जाते हैं फॉरेन कंट्री अदर कंट्री जाते हैं कभी कहीं पे भी जॉब के लिए तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं वो लोग ठीक है तो वो भी आप बनवा सकते हैं उसके जरिए भी आपकी डिग्री जो डिप्लोमा होते हैं वो वेरिफिकेशन हो जाती है तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगेगी प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे लिंकड पे ट्विटर पे इन सब हमारा पेज है वहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं और जो भी मेडिकल के बच्चे होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं डी एच ए आधा एमो एच की तो उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर हमारे एम की पी वगैरह अपलोड होती रहती हैं ठीक है और आप हमें गाइज इस तरह की और वीडियो देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज थैंक यू